Der Janik. असली मिस्टर भल्ला है लंदन से एंड आई एम सो ग्लैड दैट टुडे ही इज अटेंडिंग दिस फंक्शन विद मी. आई एम सो लकी एंड फीलिंग ग्रेट. रिजवान सिद्दीकी माय हस्बैंड. मुझे बहुत खुशी है क्योंकि 4 साल से ऐसा लग रहा था जैसे लंदन से यहाँ आके मैं बनवास काट रही हूँ. लेकिन अल्लाह का शुक्र है नाउ ही ज्वाइन मी. बनवास मेरा ख़त्म हुआ. नाउ आई एम मूविंग with him, so feeling very great. She's so happy. Thank you. Excitement तो है भाई. पहली बार परिवार का सदस्य बने हैं तो excitement तो है. ये कमबख्त कूल डूड बनने नहीं देते. बाप बाप बना के खड़ा कर देते. भाई क्या करूं. और किसने तुझे आज सपोर्ट करने वाले कार्तिक नायना नॉमिनेटेड फिल्म है. क्या कुछ कहना चाहेंगे आप. क्या कुछ कहना चाहेंगे. क्या दोनों अवार्ड्स लेके जाएंगे बच्चे हमारे. अमला सेलेक्ट हुई बहुत अच्छी बात है और अमला को बहुत बहुत बधाई हमारे शो के लिए भी. और सबकी मेहनत है डायरेक्टर की भी प्रोड्यूसर की भी. और थैंक्स टू स्टार और सब टीम को. तो होप करते हैं कि अवार्ड मिले. किसके बारे में. किसके लुक के बारे में. अच्छा ये मतलब ठीक है. ऐसा कुछ था नहीं. वार्डरोब खोली देख लिया और पहन लिया. ऐसे कुछ डिसाइड किया नहीं कि ऐसा कुछ पहन के जाना है. तो ठीक है. आई एम लुकिंग गुड. या अच्छा पीपल आर एक्चुअली लाइकिंग अंबीर का कैरेक्टर. आज ये क्या कहना चाहिए. व्हाट व्हाट अंबीर. अंबीर हां व्हाट इज अंबीर. फैंस ने नाम दिया है #अंबीर. यू माइट बी नोइंग आई गेस अंबीर. ओके इट्स अमला एंड अबी. अबी तो अंबीर.
ओके तो क्या था तो व्हाट यू वांट टू से फैंस आर एक्चुअली वेटिंग फॉर यू विद अ वैसे इंटरव्यू के लिए एंड सब कुछ एक्चुअली दे आर लाइकिंग योर कैरेक्टर व्हाट यू वांट टू से सो नाइस ऑफ देम अंबीर साउंड्स गुड और अच्छा लगा कि लोग पसंद कर रहे हैं फैंस उसको पसंद कर रहे हैं तो थैंक्स टू ऑल ऑफ देम एंड आगे भी शो बहुत इंटरेस्टिंग है और काफ़ी होता जाएगा तो देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए एंड थैंक्स टू ऑल थैंक यू सो मच या थैंक यू या बाय कैसा लग रहा है आज सबसे पहले तो बहुत ही फिट लग रहे हैं आप और ये क्या आपको वजन नहीं लग रहे अगर अच्छे दिखने के लिए कभी कभार वजन सहना पड़े तो सह लेना चाहिए बहुत अच्छा लग रहा है एंड आप तो लॉन्ग टाइम स्टार परिवार में आई हूँ तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे लग रहा है आई एम श्योर आज आप अपनी बहू को टक्कर देने वाले वैसे आपके जो पति थे वो भी बहुत कूल डूड बनकर आए एक्चुअली यहाँ पे एक अवार्ड एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप थोड़ा हटके कपड़े पहन सकते हैं एंड अपने जो आप रियल है वो आप दिखा सकते हैं कि आप क्या हो तो ऑफ कोर्स स्टार परिवार है एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं यहाँ पे आ रही हूँ तो कुछ हटके करना था मुझे तो जस्ट आ गई एक्चुअली मैंने ये आजकल बहुत ट्रेंड में है बनारसी जो बनारसी चीज़ों का ट्रेंड आया है साड़ियाँ हो वो चाहे लहंगे हो दुपट्टे हो तो मैंने बनारसी स्कर्ट पहना हुआ है एंड प्लेन सिंपल टॉप है एंड मुझे कुछ डिफरेंट हेयर स्टाइल करना था बिकॉज कर्ल्स मैं डेली करती हूँ शो में स्ट्रेट हेयर भी कर लेती हूँ बट ये जूड़ा का थोड़ा सा ना आजकल जो फैशन में है तो मैंने कहीं ना कहीं ऑफकोर्स मैं दीपिका की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ एंड करीना की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ तो उस चीज़ को ध्यान में रख के उनके लुक को ध्यान में रख के मैंने उनको आज फॉलो किया है एंड बेस्ट सास के लिए नॉमिनेटेड हूँ उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखते हैं क्या होता है परिवार आई है परिवार हाँ एक्चुअली हम तीनों ने मिलकर प्लान किया था हम साथ में ही जाएंगे एक्चुअली जैसे ही मैं आई शिल्पा ने बोला तुम दोनों तो बिल्कुल मैच कर रहे हो इसको बोलते हैं टेलीपैथी ऐसी है अ फैमिली दैट ड्रेसेस टुगेदर लिव्स टुगेदर स्टेज हैप्पी टुगेदर शिल्पा आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने लुक के बारे में जैसे शो में थी और यहां पे भी आप बिल्कुल वैसे ही मॉडर्न अवतार थे एक्चुअली हमारे क्रिएटिव ने बोला है स्पेशली हम दोनों को कि आप दोनों ट्रेडिशनल ही आइएगा बाकी जिसको जो पहनना है पहनेंगे लेकिन आप दोनों स्पेशली ट्रेडिशनल आप दोनों जो हैं वो स्टार के शान हैं वही पहनना पड़ेगा जो आप हमेशा पहनते हो और वही मद्देनजर मैंने भी अपना अटायर वैसे ही रखा है सेम बिल्कुल सो वन ऑफ द बिगेस्ट अवार्ड्स यार ऑन इन द टेलीविजन फ्रेटर्निटी सो वी ऑल आर वेरी हैप्पी टू बी हियर क्योंकि बहुत सारे नॉमिनेशंस हैं कार्तिक नायरा के आज तो बैठ के ताली बजा रहे हैं लाल होने वाले हैं अवार्ड बटोरते वक्त यहां पे भी एक नॉमिनेशन है हमारे यस यस हमारे फारुल का नॉमिनेशन है सो वेल आई प्लीड ऑल द व्यूअर्स प्लीज अब तो शायद देर हो चुकी है बट प्रे 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 कीजिए कि इसको मिले अवार्ड सो स्वीट हमें लगता है हमारी स्वर्णा दी को ही मिलने वाला है एक्चुअली लोग इतना प्यार करते हैं ना मुझसे मेरे से ज्यादा ये लोग एक्साइटेड थे क्या पारुल 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 थैंक यू सो मच थैंक यू बाय 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 Thank you.
लुक के बारे में जी, तो मैं पहले तो पजामा और टी शर्ट पहन के आने वाला था, लेकिन मम्मी ने बोला कि थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड इवेंट है तो कुछ अच्छा पहनो, तो आई वो दिस सोया समथिंग वेरी कैजुअल, समथिंग जस्ट लाइक मी क्लियरली माई जॉ लाइन स्टैंडिंग आउटसाइड अपार्ट सोया. थैंक यू. हिंदी में चाहिए पूरा. ओके. बहुत ही अच्छी फीलिंग है. माई फर्स्ट है वो जे सी शो, तो नॉमिनेट होना भी बड़ी बात है. इट्स गुड फीलिंग स्पेशली फॉर अ कैरेक्टर लाइक सैयम जिसने काफ़ी कुछ शेड्स खेले, काफ़ी कुछ लेयर्स थे उसमें, तो इट्स अ गुड फीलिंग. एट द सेम टाइम कंग्रेचुलेशन टू एवरीवन एल्स हू इज नॉमिनेटेड ऑन दिस एंटायर प्लेटफॉर्म. सो या इट्स अ गुड फीलिंग. सुहानी को कितना मिस करने वाले हैं? काफ़ी, लेकिन एक डिटैचमेंट नाम की चीज़ होती है, वो इमीडिएटली करना चाहिए क्योंकि देयर आर बैड थिंग्स टू कम आफ्टर दिस. मेरा सफ़र भले ही छोटा सा रहा 8-9 महीने का, बट उसमें मैंने काफ़ी सीखा है, तो या इट्स फन. I need to go to the hills, yeah. मुझे हिमाचल जाना है, चिल करना है, उसके बाद आके कुछ करूँगा. थैंक यू. थैंक यू. बहुत दूर रखा है इसलिए एक्साइटमेंट थोड़ी सी अंदर जाके और हो जाएगी. कमिंग ऑल द वे इन द ट्रैफिक, सो बट वेरी एक्साइटेड. अरे बाप रे, मत बोलो यार, बहुत आप करा देना ओ माय माता मेरी अंदर जाके. जगमग होके आई हूँ मैं, तो शो में भी जगमग रहती हूँ. इतनी कलरफुल है यार पिंकी, कुछ भी करती, नाइट सूट भी पहन के चल देती है ना. बहुत चेयर करने वाली हूँ सास मॉम एज एन एक्टर, नितिका कुलीर एवरीथिंग करके. आई थिंक दे रियली डिजर्व इट. दैट्स अ कपल विच इज रियली लुक्ड, वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग देम ऑन स्क्रीन. सो माय लुक, ओ ओके फाइन, आई एम वेयरिंग अ सीक्वेंस शिफॉन विच इज हैंड वर्क.